नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा, प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड संहिता, श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र, आप सभी का स्वागत करता हूँ पोर्टल पे। जैसा कि मानसून आ चुका है, रेनी सीजन चल रहा है, यहाँ नागपुर में अभी भी बारिश हो रही है, और मानसून आते आते जो है वह सभी बीमारियों को लेकर आता है। उसके अलावा जो वैश्विक महामारी है कोरोना, इसमें चल रहा है, जिसमें आप देखते हो मुख्यतः ज्वर, सांस फूलने की बीमारी, गले में सांस लगना ज़्यादा जो है, कफ उत्पन्न होना, ब्रीदलेसनेस होना, जुखाम होना, ये सब दिखाई पड़ रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे प्राणवा स्रोतस से संबंधित गादी श्वास के बारे में, और उसमें भी स्पेशली जो है तमक श्वास के बारे में हम आपको बताएंगे। श्वास की चिकित्सा, श्वास के लक्षण, श्वास के उत्पन्न होने के पहले के लक्षण, श्वास किन व्याधियों के द्वारा उत्पन्न होता है, पूर्व उसके जो है कॉम्प्लिकेशंस के रूप में उन व्याधियों के नाम, और यदि किसी भी प्रकार की एलर्जी है तो उन एलर्जी को दूर करने के लिए आयुर्वेद में किन किन औषधियों का वर्णन किया गया है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। श्वास से संबंधित यानी प्राणवाह स्रोत से संबंधित एकल औषधियां जो कार्य करती हैं, उन एकल औषधियों के गुणधर्मों के बारे में चिकित्सा हम चर्चा करेंगे। तो और जो है आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में जो है श्वास यानी अस्थमा के बारे में क्या क्या बताया गया है, उनके पैरामीटर्स क्या हैं, हम किन किन लक्षणों के द्वारा ध्यान देते ही चिकित्सा करते हैं सब बताएंगे। अमर भैया नमस्कार, डॉक्टर साहब नमस्ते, सभी ऑनलाइन हुए चिकित्सकों को मैं नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसके द्वारा हमारा शरीर जो है शीघ्र ही मारक साबित होता है। कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं लाइक हार्ट अटैक है, अस्थमा है, एंजाइना है, ब्रेन स्ट्रोक है, या जो है अचानक किसी भी स्रोत का कार्य करना बंद कर देना अंगों का, ये सब जो है हमारे शरीर को नष्ट करने के लिए बहुत ही कारक होते हैं। तो ऐसा है कि जैसे कि श्वास के बारे में बताया गया है, खास करके हिक्का और श्वास व्याधि आचार्य चरक ने साथ में बताई है, इवन जो है आचार्य वाग्भट ने भी जो है हिक्का और श्वास का जगह जगह पे उल्लेख साथ में किया है, आचार्य सुश्रुत ने श्वास व्याधि अलग से बताई है निदान स्थान के अंतर्गत, आचार्य सुश्रुत ने जो है श्वास व्याधि का उत्तर तंत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया है चिकित्सा के साथ साथ में। मुझे लगता है हम लोग साफ साफ दिखाई दे रहे हैं या जी। तो ऐसा है कि इन्होंने कहा कि ये जो श्वास व्याधि है, यह प्राणवाह उदकवाह और अन्नवाह, प्राणवाह उदकवाह और प्रकार के स्रोतो दुष्टि होने की वजह से आपके शरीर में विशेष रूप से उत्पन्न होता है। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि अब प्राणवाह स्रोत की दुष्टि होती तो क्या होता है, तो आचार्य चरक ने कहा कि तत्र प्राणवाहानां हृदयं मूलं महाश्रुतश्च प्रदुष्टानां तु खलु एषां इदं विशेष विज्ञानं भवति तद्यथा अतिसृष्टं अतिबद्धं कुपितं अल्पा अल्पं अभिक्षणं वा सशब्दशूलं उच्छ्वसन्तं दृष्ट्वा प्राणवहानि श्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्यात। ऐसा जो है प्राणवाह स्रोतों की दुष्टि के बारे में जो है उल्लेख मिलता है। दूसरा जो है स्रोतस है वह उदकवाह स्रोतस,
उदक वहानाम स्रोतसाम तालुमूलम क्लोमचा प्रदुष्टानाम तु खलु एशाम इदम विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा जिह्वा तालु क्लोम शोषम जिह्वागत तालुगत ओष्ठगत कंठगत और क्लोम इसमें शोष उत्पन्न होना यानी थर्स्ट की फीलिंग होना प्यास लगना पिपाशाम च अतिवृद्धाम गले का सूखना अत्यधिक प्यास का लगना अतिवृद्धाम दृष्ट्वा उदक वाहानी स्रोतसांसी प्रदुष्टानि इति विद्याति ऐसा उदक वा स्रोत दृष्टि के लक्षण के बारे में बताया। तीसरा जो है यह स्रोतस अन्न वह स्रोतस भी श्वास व्याधि में हिक्का व्याधि में जो है विशेष रूप से कार्य करता है उसका भी योगदान होता है। अब अन्न वह स्रोतस के बारे में कहते हैं कि अन्न वहानाम स्रोतसाम आमाशय मूलम वाम च पार्श्वम प्रदुष्टानाम तु खलु एषाम इदम विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा अनन्नाविलषणम अरोचकम आभिपाको छरदिम च दृष्ट्वा अन्नवहानि अस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्याते। इस प्रकार से आचार्य चरक ने विमान स्थान के पांचवें अध्याय में आठवें श्लोक में जो इस प्रकार से वर्णन दिया है तो ये तीनों स्रोतस की दृष्टि के बारे में बताया गया। अब हम जो है श्वास की चर्चा करते हैं तो श्वास रोग खास करके यदि करते हैं तो यदि उसकी संप्राप्ति क्या है कि यदा स्रोतांसि संग्रुध्य मारुतः कह पूर्वकः विश्वब्रजति संग्रुद्धः तदा श्वासान करोति ही। स्रोतांसि संग्रुध्य मारुतः कह पूर्वकः मारुत यानी वायु वायु और कफ ये दोनों जाकर के ये दूषित होते हैं विशेष रूप से और ये करते क्या है कि वायु जो है वह सुखाता है और कफ ये भरने का काम करता है। गुड इवनिंग प्रज्वल जी अभिषेक जी सभी को नमस्कार। तो ये वायु जो है सुखाने का काम करता है और कफ जो उसमें जाकर के लीन होने का काम करता है। परिणाम स्वरूप जो आपकी श्वास की नलिका होती है उस श्वास की नलिका में धीरे धीरे कफ की वृद्धि और कफ के दूषित होने की वजह से जो है श्वास की नलिका में संक्रमण उत्पन्न हो जाता है और संक्रमण होने की वजह से जो है हमें श्वास कष्टता घुरघुराहट होना गले में घुरघुराहट होना ये सब दिखाई पड़ता है। अब हम इसके हेतुओं की चर्चा करेंगे कि कैसे होता है। तो ऐसा कहा गया कि ये कफ और वातज व्याधि है और बहुत ही दुर्जय है मतलब आसानी से ठीक नहीं होता है। तस्मात साधारणा वेतो मतो परम दुर्जयो यह जो है आसानी से ठीक नहीं होता है। मिथ्योपचरतो क्रुद्धो यदि हम इसको ढंग से इसकी चिकित्सा नहीं करते हैं या इसकी गलत चिकित्सा करते हैं तो हतम आशी विषायु जिस प्रकार से सर्प का विष जो है मनुष्य के शरीर को नष्ट कर देता है उसी प्रकार से यह श्वास व्याधि जो है मनुष्य के यानी रोगी के शरीर को शीघ्र ही नष्ट कर देती है। ऐसा अब हम इसके हेतुओं पर चर्चा करेंगे। हेतु की जब बात करते हैं हम तो शास्त्र आयुर्वेद शास्त्र एवं आधुनिक शास्त्र आधुनिक चिकित्सा शास्त्र दोनों ही शास्त्रों में हेतुओं के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है। वो कहते हैं कि रजसा पहला जो है रज यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिंस धूल की कणें वह जो है हर तरह से तकलीफ देती हैं जैसे चाहे धूल जो है या डस्ट हो या परफ्यूम्स हो या ड्योड्रेंस है या फिर जो है किसी भी प्रकार के जो है ये ट्रिगर्स जो होते हैं जिसे हम अस्थमा के ट्रिगर्स कहते हैं वो ट्रिगर्स कैसे रहते हैं कि एक एक्सपोजर टू वेरियस इरिटेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिटेंट्स एक्सपोजर कर देंगे एंड सब्सटेंसेस दैट ट्रिगर एलर्जीज कैन ट्रिगर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा ट्रिगर्स आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड कैन इंक्लूड एयरबोन एलर्जीज। आप एयरबोर एलर्जीज मतलब क्या हो सकता है अगरबत्ती का धुआं हवन का धुआं उसके बाद जो है लाइक घर के अंदर जो है बहुत ज्यादा जाले लगे हुए हैं कोई निकाल रहा है तो उसका जो है डस्ट या बहुत ज्यादा धूप उत्पन्न हुआ धूप की जो किरणें आ रही हैं उसकी वजह से एलर्जी तो ये जो है एयरबोर्न एलर्जेंट कहलाते हैं सच एज पोलन या फिर जो है पर्टिकुलर फूलों की जो पोलन होते हैं परागकण होते हैं वह परागकण भी जो है एलर्जी उत्पन्न करते हैं।
मोहित जी नमस्कार, लक्ष्मीकांत जोशी जी नमस्कार। तो इस तरह से जो है, और डस्ट माइट्स भिन्न भिन्न प्रकार के मोल्ड स्पोर्स हैं, पेट डेंड्रॉन। देखिए अक्सर लोग जो है कुत्ता बिल्ली खरगोश चूहा इस तरह से जो है किन्हीं किन्हीं घरों में जो है पालने का शौक होता है लोगों को। बट ये सभी जो पशु होते हैं छोटे छोटे, इनकी भी एलर्जी होती है लोगों के अंदर, जिससे श्वास कष्टता का अनुभव होता है। तो अलग अलग बताया गया है। एंड पार्टिकल्स ऑफ कॉकरोच वेस्ट, यदि कॉकरोच वगैरह घर के अंदर हैं तो उससे भी श्वास कष्टता के श्वास के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। उसके अलावा जो है आप बताया कि रजसा धूम वाताभ्याम, यदि धुआं निकल रहा हो या जो है धुआं की जो वायु है उसके द्वारा, कि वह शीत स्थानाम सेवनात, ठंडे प्रदेश में रहना, ठंडे पानी का उपयोग करना, ये दोनों ही यानी किसी भी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक का उपयोग करना, एसी का प्रयोग करना, एयर कंडीशन का उपयोग करना, इसके अंदर भी कि वहाँ रेफ्रिजरेटर के पानी का उपयोग करना, इसके द्वारा भी जो है हमें श्वास नलिका में तकलीफ महसूस होती है जो है। तो ये बताया गया है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कैसे जैसे हैं, सच एज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड यानी मामूली जुकाम सर्दी भी हो गया तो भी हमें श्वास कष्टता का अनुभव होता है, फीलिंग होती है। कोल्ड एयर है, फिजिकल एक्टिविटी, देखिए मॉडर्न साइंस कहता है फिजिकल एक्टिविटी। अब हम यहाँ पर भी कहते हैं कि व्यायाम, आचार्य चरक ने भी कहा कि अत्यधिक व्यायाम करने की वजह से जो है श्वास का अनुभव होता है। ग्राम्य धर्मात, ग्राम्य धर्मात पार्टनर के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, ये ग्राम्य धर्म की वजह से भी ज्यादा तकलीफ होती है। रुक्ष अन्न विषम आसन, किसी भी प्रकार के ड्राई पदार्थों का उपयोग करना, और विषम आसन का मतलब हुआ कि भोजन के समय का निश्चित रूप से पालन नहीं करना। तो यदि जो है आपके खाने का यानी भोजन करने का कोई समय नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में भी तकलीफ होती है, तो इसे कहते हैं विषमासनात। देन आम प्रदोषाद, यानी आप जो भी आहार ले रहे हो यदि आपका आहार प्रॉपर रूप से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आम बन रहा है, ठीक है। तो आम बनने की वजह से, अब हम जो आम देख रहे हैं, आम की वजह से क्या होता है कि आपकी धातुएं प्रदूषित हो रही हैं और वह आपको तकलीफ दे रही है। इसलिए देखिए आज कोरोना का काल चल रहा है, आज हमारा आयुष मंत्रालय भी कह रहा है कि गर्म पानी लीजिए, नियमित आहार विहार कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, समय से सोइए, मतलब वह लाइफस्टाइल को ध्यान दे रहा है जिससे व्यक्ति को किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी ना उत्पन्न हो, ऐसा है। तो आम प्रदोषाद, आनाहात मतलब पेट का फूलना, रुक्षाद अति अपतर्पणात अत्यधिक रुक्ष आहार का सेवन करना जिससे आपका शरीर जो है रुक्ष हो रहा हो, दुर्बल हो रहा हो, तो ये भी एक कारण है। अति अपतर्पणात दौर्बल्यान मर्मणो घाताद, किसी भी प्रकार से मर्म, हृदय बस्ती ही शिरा, ये तीन विशेष रूप से मर्म बताए गए हैं, इनके मर्म को किसी भी प्रकार का कष्ट होने की वजह से भी जो है हा? और प्लस द्वंद्वात शुद्धि अति योगात, अब शुद्धि अति विरेचन इत्यादि जो पंच बात बताए गए हैं उनका अतियोग होने की वजह से भी श्वास निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि कभी जैसे मॉडर्न साइंस की हम बात कहता है कि एयर पोल्यूशन रिटेन्स एंड सच ए स्मोक, धुआं जो है धूमपान भी इसका जो है विशेष ट्रिगर होता है, ज्यादा धूमपान करने की वजह से भी श्वास रोग की उत्पत्ति होती है। देन सर्टेन मेडिकेशंस बताया, कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनका ज्यादा उपयोग करने से भी हमें श्वास की तकलीफ उत्पन्न होती है, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, एस्पिरिन हैं, एंड जो भी NSAIDs हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो है ड्रग्स बताए गए हैं, लाइक आइबुप्रोफेन, हाँ उसके अलावा जो है नेप्रोक्सन सोडियम वगैरह जो है, ये जो एलोपैथिक औषधियों का ज्यादा सेवन करते हैं यानी दर्द निवारक औषधियों का सेवन करने की वजह से भी श्वास की तकलीफ बढ़ती है, ऐसा। देन स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रेस, स्ट्रेस और इमोशंस, मैं आपको बताता हूं हर लेक्चर में कि किसी भी व्याधि को जन्म लेने के लिए जो है उतना ही इमोशंस, लाइक चित्त का जो है अपनी जगह पे न रहना, उद्वेग उत्पन्न होना, शोक उत्पन्न होना, क्रोध उत्पन्न होना, या फिर आप जो भी कार्य कर रहे हो उस कार्य की सफलता में आपका, मतलब जो कार्य सफलता है उसमें जो है असफल होने की वजह से, कि वह आपके घरेलू मामलों में यदि कोई परेशानी उत्पन्न होती है तो भी आपके स्वास्थ्य का एक ट्रिगर बताया गया है, आधुनिक साइंस भी कहता है इस चीज को। एंड दूसरी चीजें जो है और बताइए कि जो है
ये सॉफ्टीज जो होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स एडेड टू सम टाइप्स ऑफ फूड्स एंड बेवरेजेस, बहुत ही बड़ी बात है जो है। आज के जमाने में लोग फ्रिज में एक एक हफ्ते रखते हैं किसी चीज को, या फिर जैसे भी आप मॉल वगैरह में देखते हैं तो खाने पीने की चीजों में प्रिजर्वेटिव मिला करके उनको 6 महीने से लेकर के 1 साल तक, यदि आपने रसगुल्ले भी लाए तो रसगुल्ले की उम्र होती है कि 6 महीने आपको लेना या 12 महीने लेना है। अब कोई भी रसगुल्ला या कोई भी जो है ताजी मिठाइयां जिसे आप प्रिजर्वेटिव में रखते हो, तो बिना प्रिजर्वेटिव के वह 6 महीना 12 महीना चलने से रहा। तो ऐसे जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो भी आपके अंदर जाकर के वात कफ पित्त ये जो दोष है उनको ये दूषित करते हैं। दूषित करने की वजह से ये अस्थमा या किसी भी प्रकार के अन्य बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। तो ऐसा बताया ड्राइड फ्रूट्स हैं जो है क्यों, प्रोसेस्ड पोटेटो है यानी तली हुई चिप्स, चिप्स का सेवन करना, बियर का क्यों, वाइन का सेवन करना, इनकी वजह से तकलीफ हो सकती है। दूसरा जो है GIT, गैस्ट्रो इसोफेशियल रिफ्लक्स डिसीजेज यदि आ रहे हैं GERD, और इसमें जो है क्या होता है कि स्टमक जो है एसिड्स बैकअप इन टू योर थ्रोट, एसिड जो है ऊपर तक जाता है। भाग्यश्री पाटिल जी, सर आम श्वास व्याधि के कारण है पर इसका रिलेशन नहीं समझ आया। ठीक है बेटा, आम जो है, देखिए भाग्यश्री जी, आम जो होता है किसी भी प्रकार का, यदि शरीर में आम की उत्पत्ति होगी तो वह व्याधियों को उत्पन्न करने का मुख्य हेतु होता है, क्योंकि आम किससे उत्पन्न होगा, वह अग्निमांडे से उत्पन्न होगा, और अग्निमांडे यह जो है उसका विशेष, अब सांस की संप्राप्ति में भी साफ कहा गया है कि अग्निमांडे जो होता है यह निदान आपने सेवन किया, निदान में क्या क्या लिया, जैसे मैंने बताया कि रसा दुम्बाताप्यम ऐसे, तो इन निदानों के सेवन की वजह से अग्निमांडे होगा, और अग्निमांडे होने की वजह से आम रस की उत्पत्ति होगी। आम रस की उत्पत्ति होगी तो मल रूप कफ का निर्माण होगा, यानी कफ जो है ज्यादा मल उत्पन्न करेगा और क्लेद उत्पन्न करेगा। परिणाम क्या होगा कि वह क्लेद या मल रूप जो रस होगा वह पूरे शरीर में भ्रमण करेगा, और भ्रमण करने की वजह से जो है प्राणवा स्रोतों को यह तकलीफ देगा, यह उसको तकलीफ, क्योंकि प्राणवा स्रोतस में गया। अब जब प्राणवा स्रोतस में आम जाएगा तो कफ जो है यह आवरण करेगा, यानी प्राणवायु कफ का आवृत कर देता है। परिणाम क्या होगा कि जो है आपको श्वास कष्टता, ऊर्ध्वश्वास, देन जो है घुरघुर उत्पन्न होना, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम वापस जाएंगे। तो ऐसा है, उसके अलावा जो श्वास व्याधि होती है वह कॉम्प्लिकेशन यानी उपद्रव स्वरूप भी उत्पन्न होती है। जैसे हम पेशेंट आता है हमारे पास तो हम जरूर क्वेश्चन करते हैं कि भाई कभी आपको लूज मोशन ज्यादा हुए थे क्या, यानी अतिसार की उत्पत्ति आपको कभी बहुत ज्यादा थी क्या, ऐसा हम पूछते हैं। तो ये अतिसार की उत्पत्ति होना भी जो है श्वास की उत्पत्ति में उपद्रव स्वरूप श्वास लक्षण उत्पन्न होने में दिखाया जाता है। तो अतिसार, ज्वर, छर्दी, प्रतिस्याय, क्षय, रक्तपित्त, उदावर्त, विसूचिका, अलसक और पांडु रोग तथा विष, ये सब बीमारियों के उत्पन्न होने के बाद इनके उपद्रव स्वरूप श्वास व्याधि जन्म लेती है, ऐसा आचार्यों ने स्पष्ट किया हुआ है। अब संप्राप्ति में भी हम बात करेंगे तो प्राणतः प्राणवाहिनी श्रोतांसि आविश्य कुप्यति, मारुतः प्राणवाहिनी, प्राणवाहनम श्रोत सामने बताया जिस तरह से, यानी वायु जो है प्राणवाह श्रोतस को क्या करता है, ढक लेता है, आवृत करता है। तो उरस्थः कफम उद्धूय हिक्का श्वासानी करुत्सा, उरह प्रदेश में जाकर के कफ को आवृत करके जो है वह हिक्का और श्वास को उत्पन्न करता है, और जिस जो कि 5 प्रकार के बताया कि हम स्पेशली जो है तमक श्वास के बारे में इसमें हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो इसके अलावा जो है कॉजेस क्या हो सकते हैं, अब इसके और भी हेतु हैं, श्वास के और भी हेतु हैं, जैसे वातावरण जन्य, दिस इज नोन एज एनवायरमेंटल, और दूसरा कुलज। तो एकदम क्लियर बताया गया है कि कुछ जो व्यक्ति होते हैं अस्थमा के वो वातावरण जन्य, जैसे कि शीत, यानी अभी आज बारिश हो रही है नागपुर में बहुत ज्यादा, तो इसमें जिसमें जो अस्थमा के रोगी होते हैं उनका तकलीफ बढ़ जाता है, उनको ट्रिगर हो जाता है। किंवा जो है इनहेरिटेड बहुत सारे होते हैं जेनेटिक फैक्टर्स, जब भी आप पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाता है तो जेनेटिक बात की जाती है कि आपके घर में किसी को दमा था, किसी को हार्ट का रोग का था, किसी को डायबिटीज था क्या, ये सब पूछा जाता है। ऐसा तो इस प्रकार से वातावरण और उलझ ये फैक्टर्स बताए हैं। अब दूसरा जो है रिस्क फैक्टर की यदि हम बात करते हैं तो ऐसा उन्होंने स्पष्ट कहा, मॉडर्न साइंस में बताया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स और थॉट टॉट टू बी इंक्रीज योर चांसेस टू डेवलपिंग अस्थमा, वो कौन कौन से हो सकते हैं, हैविंग फूड रिलेटिव विद अस्थमा, पेरेंट ऑफ सिबलिंग ये बताया गया, हैविंग अनदर एलर्जीज कंडीशंस,
सच एज एटॉपिक डर्मेटाइटिस। देखिए विचर्चिका या सोरियासिस ऐसी व्याधि है कि जो कि आपके मानसिकता को पूरी तरह से सप्रेस कर देती है, आपका दिमाग हमेशा स्ट्रेस में रहता है। सोरियासिस की मैं बात कर रहा हूँ, विचर्चिका की बात करता हूँ। तो इसकी वजह से भी अस्थमा ट्रिगर होता है, क्योंकि यदि हम सोरियासिस व्याधि में किसी प्रकार की स्टेरॉइड का उपयोग भी करेंगे तो वह आपके अस्थमा को या शुगर लेवल को बढ़ाने में ट्रिगर का काम करता है। टू इस कॉज रेड इची स्किन और हैवी फीवर विच कॉजेज रनी नोज कंजेशन एंड इची आईज, जैसा कि स्किन डिजीज बताया गया। दूसरा जो है ओवर वेट व्यक्ति, स्थूल व्यक्ति यदि है तो स्थूल व्यक्ति के अंदर भी श्वास कष्टता ज्यादा रहे, उसका मेद और कफ दोनों ही बड़े होने की वजह से जो है उसे कष्टता रहती है। देन स्मोकर बताया जो हमने, एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक, यदि सामने से आपके साथ कोई स्मोकिंग कर रहा है और आप स्मोक नहीं कर रहे हो तो उसका जो धुआं होता है वह भी आपके श्वास नलिकाओं में प्रविष्ट होकर के श्वास व्याधि को उत्पन्न करने में सहायक होता है। देन उसके बाद एक्सपोजर टू एग्जॉस्ट फ्यूम्स और अदर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ। तो हम अब जो है कॉम्पिटिशन की बात करेंगे जो है, तो अस्थमा यदि होगा तो अस्थमा में कैसे रहता है कि साइंस एंड सिम्टम्स दैट इंटरफियर विद स्लीप वर्क एंड अदर एक्टिविटीज, देन सिक डेज फ्रॉम वर्क और स्कूल ड्यूरिंग अस्थमा, फ्लेयर अप्स, परमानेंट नरोइंग ऑफ द ट्यूब्स दैट कैरी एयर एंड फॉर्म योर लंग्स। परमानेंट नरोइंग ऑफ ट्यूब यानी श्वास नली का एक जो है आधार होता है। अब उस श्वास नली के अंदर आपने विभिन्न भिन्न प्रकार के एलर्जेंट जाकर के उसको, तो ऐसे कष्टता ट्यूब को जो नैरो कर देते हैं, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उनको संक्रमित करते हैं। तो विच इफेक्ट्स हाउ एवली ब्रीथ, अब वो डिपेंड करता है कि कम कर देता है। देन इमरजेंसी रूम विजिट्स एंड हॉस्पिटलाइजेशन फॉर सीवियर अस्थमा अटैक्स, ये जो उपद्रव के रूप में होते हैं। साइड इफेक्ट्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सम मेडिकेशंस यूज टू स्टेबलाइज सीवियर अस्थमा, प्रॉपर ट्रीटमेंट मेक्स ए बिग डिफरेंस इन प्रिवेंटिंग बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड बाय अस्थमा। यानी यदि इसका इलाज जो है सही ढंग से किया जाए तो बिल्कुल जो है यह कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत हद तक जो है यह कंट्रोल में आ जाता है, इस चीज को ध्यान रखने वाले होते हैं। अब यदि श्वास की तकलीफ बढ़ गई तो अस्थमा साइन सिम्टम्स दैट आर मोर फ्रीक्वेंट एंड ब्रदर्स इंक्रीजिंग डिफिकल्टी एज मेजर्ड विद अ डिवाइस यूज टू चेक हाउ लंग्स आर वर्किंग। तो ये सब बताया अस्थमा के साइन सिम्टम्स में क्या क्या हो सकते हैं। ये आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों ही, मतलब हमारा आयुर्वेद क्या कहता है मॉडर्न क्या कहता है, हम दोनों बातें कर तमक श्वास के अंदर स्पष्ट किया है कि प्रतिलोम यदा वायु श्रोतांसी प्रतिबद्धते ग्रीवाम शिरस्य संग्रूह्य श्लेष्माणं समुदीर्यते करोति पीनसम तेन रुद्धो गुरुगुरुकम तथा अतीव तीव्र वेगम च श्वासम प्राण प्रपीडिकम। सी ग्रीवाम शिरस्य संग्रूह्य, ग्रीवा और शिर प्रदेश को पकड़ करके श्लेष्माण, वहां पे श्लेष्मा भर जाता है और श्लेष्मा भरने की वजह से जो है करोति पीनसम तेन, पीनस जो है लक्षण अपना पीनस दिखाई पड़ता है और रुद्धो गुरुगुरुकम तथा यानी कफ भरने की वजह से आपकी सांस नली से गुरुगुर की आवाज आती है। अब ये गुरुगुर की आवाज आते समय जो है उसके बाद जो अतीव तीव्र वेगम चा श्वासम प्राण प्रपीडकम, यानी नॉर्मली आपका श्वास जो है 19 से 21 पर मिनट, लेकिन यदि ही श्वास जो है आपका 25 पर मिनट हो जाए, 30 पर मिनट हो जाए, इसका मतलब जो है आपके अंदर आपके शरीर में ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन की मात्रा होती है वह कम हो रही है ऐसा समझा जाता है। तो आधुनिक जो यंत्र है पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा हम जो है ऑक्सीजन के सेचुरेशन की क्षमता को देखते हैं। यदि यही ऑक्सीजन के सेचुरेशन की क्षमता 92 के ऊपर है तो पेशेंट को उतनी तकलीफ नहीं होती है, बट 90 के नीचे आ रहा है, 84-86 हो रहा है, ऐसी स्थिति में जो है इस व्यक्ति को इमीडिएट चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हमें करना चाहिए, क्योंकि श्वास की तीव्रता बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, पल्स बढ़ जाता है ऐसा। तो इन्होंने कहा कि प्रताम्यति अतिवेगाच्चता काशते सन्निरुद्धते है प्रमोहम काशमानश्च सा गच्छति मूर्मे। प्रमोहम मतलब भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाना, बार बार खांसी आना और धीरे धीरे जो है उसको तकलीफ हो जाती है। देवेंद्र जी नमस्कार, मनोज जी नमस्कार। तो
श्लेष्मानं मुच्छवानं तुम भृशं बोध दुर्तत तस्यैव चाभिमोक्षान्ते मुहूर्तम लगते सो। यानी यदि आपके गले में कफ फंसा हुआ है, आपको सांस उत्पन्न हो रहा है, यदि किसी भी प्रकार से थोड़ा भी कफ बाहर निकलता है तो बाहर निकलते ही कफ के आपको थोड़ा सा आराम उत्पन्न होता है, महसूस लगता है। इसलिए कहा कि तस्य चाभिमुच्छान्ते, उसको निकलने के उपरांत जो है मुहूर्तम लभते सुखम, कुछ समय तक आपको आराम महसूस होता है जो है। अर्थास्य उध्वंसते इकट्ठा कृशाश शक्नोति भाषितम, यह जो तमक श्वास का व्यक्ति होता है उसके मुंह से आवाज जल्दी निकलती नहीं है, क्यों यदि वो निकलती भी है तो बहुत ही कष्ट से निकलती है, बहुत कष्ट से बात कर पाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में, और उसके अलावा उन्होंने चरक ने कहा कि न चाप निद्राम लभते, उसे जो है नींद नहीं आती है, शयानः श्वास पीड़िता, यदि वह व्यक्ति यानी श्वास का व्यक्ति यदि रोगी सोता है तो सोते ही उसको और श्वास बढ़ जाता है, उसको कष्टता ब्रीदलेस में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद उत्पन्न होता है ऐसी स्थिति में। और जो विशेष कहा कि पार्श्वम तस्यागृणाति पार्श्वम तस्यागृणात् शयानस्य शरीरम, यदि वह किसी भी करवट सोता है तो वायु उसको दबाता है और दबाने की वजह से उसको स्वास्थ्यता बढ़ जाती है। देन आसीनो लभते सौख्यम उष्णम च वाभिनन्दति, श्वास रोगी यदि वह बैठता है तो बैठने की वजह से उसको आराम महसूस होता है, और उष्णम चवाभिनंती, उसे जो है कुछ गर्म खाने की या पीने की इच्छा होती है, ऐसा होता है। उच्छ्रिता चोललाटे, उसके ललाट में जो है अत्यधिक स्वेद की उत्पत्ति होना, स्वेद उत्पन्न होता है और उसकी आंखें ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं। विशुष्काशो महाश्वासो महश्चैवावधम्यते, इसके अलावा अब ट्रिगर्स क्या, मेघ अम्बु शीत प्रागवाते, बादलों का उत्पन्न होना, बारिश होना और शीत का अत्यधिक सेवन करना, सुबह के टाइम पे और रात्रि के टाइम पे, ऐसे जो है दो जगह पे जो है श्लेष्मलय चाभिवर्धते, श्लेष्मा की वृद्धि होने की वजह से, सा याप्यः तमकः श्वासः साध्यो शान नवोत्थितः, यदि नवा मतलब जस्ट स्टार्ट हुआ है श्वास की व्याधि तो उसे हम आहार विहार के द्वारा, औषधि की चिकित्सा के द्वारा, धूमपान के द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं, कि वह शुद्धि के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं। और यदि जो है यह व्याधि धीरे धीरे जो है बढ़ती चली जाती है, क्रॉनिक हो जाती है, तो क्रॉनिक भी लेह इत्यादि औषधि द्रव्यों की चिकित्सा के बारे में सोचना चाहिए, उसका हम प्रावधान जाता है। तो इस प्रकार से हम अब थोड़ा सा मॉडर्न साइंस ने क्या कहा कि एक एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा होता है, विच में बी वर्स देन द एयर इज कोल्ड एंड ड्राई, ट्रेडिशनल अस्थमा बताया गया, ट्रिगर्स इरिटेंट्स सच एज केमिकल फ्यूम्स गैसेस और डस्ट, देन एलर्जी इज ट्रिगर्ड बाय एयरबोर्न सब्सटेंसेस सच एज पोलन मोल्ड स्पोर्स कॉकरोच इत्यादि, जैसे मैंने आपको बताया सब, ये सब चीजें बता चुका हूं मैं, अब आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में तकलीफ होती क्या है। तो ये आयुर्वेद शास्त्र ने कहा कि तमक श्वास क्या है, अब हम जो है तमक श्वास के व्याधि के औषधि के बारे में चर्चा करेंगे कि औषधियां किस प्रकार से, उसकी चिकित्सा हमें कैसी करनी चाहिए जो है। तो अब चिकित्सा में जो है खास करके बताया है कि काशी ने छर्दनम दद्यात, यानी बमन करना चाहिए, स्वरभंगे च बुद्धिमान वात श्लेष्म हरे ही युक्तम तमकेतु विरचनम, किशोर जी नमस्कार। तो वात श्लेष्म हरे युक्तम तमकेतु विरचनम, तमकेतु विरचनम पे विशेष ध्यान रखना कि तमक श्वास के अंदर जो है विरेचन की चिकित्सा स्पष्ट बताई गई है। उदीर्यते वृषतरम मार्ग रोधावत जलम यथा तथा अनिलस्तस्य मार्गम नित्य विशुद्धता, मतलब शोधन चिकित्सा करने के लिए यदि हम देखेंगे तो आचार्य चरण ने कहा कि आक्तम लवण तैलेन नाड़ी प्रस्तर संकर ही तई अस्य ग्रथिता श्लेष्मा श्रुतश्य विलियते खारी मार्गों में आ रहे हैं, यानी लवण और तेल का जो है हमें अभ्यंग करना चाहिए, तत्पश्चात जो है स्निग्ध द्रव्य युक्त नाड़ी प्रस्तर और संकर श्वेद बताया गया है। यदि आपको बमन कराना है तो पिप्पली शैंदव और मद के साथ जो है उसको बमन कराइए, धूमपान विरेचन और नस्य का प्रयोग जो है स्पेशल दिया है। तो इस प्रकार से हम चिकित्सा के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चिकित्सा कैसे आती है। तो उन्होंने कहा कि स्निग्ध ही आदौ स्वेदे उपाचरेते, कैसे आत्म लवण तैलेन नाड़ी प्रस्तर संकर ही तई श्लेष्मा श्रोता शुभलिते आयांति ततो वातान्नौता। अब जो है सुन्नः ज्ञात्वा ततस्तूर्णम
भोजयेत उदनम, स्निग्ध भोजन का उपयोग किया जाए जब वह व्यक्ति जो है सो जाता है, कैसे सुन्न हो जाता है। तो मत्स्यानाम शुक्राणाम व रसई दद्युतरणता तथा श्लेष्मणि समृद्धम बमनम पावेत। श्लेष्मा की वृद्धि हो गई, कफ वृद्धि हो चुकी है, तो हमें जो है श्वास में वमन कराना चाहिए जिससे कि बाहर निकल जाए। और वमन करने के लिए पिप्पली सैंधव छौद्रयुक्त ही वाता विरोधितुम नृते सुखम आपनोति सा कफे दुष्ट संग्रह। तो ये सब जो है आचार्य चरक ने स्पष्ट किया कि ये चिकित्सा कैसे की जाए। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको हम बताएं कि कौन कौन से औषधि द्रव्य श्वास में जो कि आज समय की मांग है हमें स्पष्ट बताएगा कैसे करेंगे हम। तो खास करके त्रिकटू देखा है आपने, फिर एरंड है। एरंड के अंदर बताया कि एरंड जो है उसका एकल द्रव्य की बात करते हैं, तो एरंड दो प्रकार के होता है। तो उसमें कैसे है कि एरंड युग्मम मधुरम उष्णम गुरु विनाशेत, यह जो है मधुर है, उष्ण है, गुरु है, और काम क्या करता है, श्वास कफ आनाह कास इसको नष्ट करता है, और वात श्लेष्म उदरापहम यह वात श्लेष्म को और उदर को नष्ट करता है। इसलिए हम एरंड पत्र का उपयोग करते हैं कि वह एरंड पत्र वात का उपयोग करते हैं उसके लिए। देन दूसरा जो द्रव्य है महत्वपूर्ण वह शिग्रू। तो शिग्रू क्यों, उसको शिग्रू का उपयोग हम क्यों करते हैं, सहजन का उपयोग हम क्यों करते हैं। तो शिग्रू कटु, ये कटु रसात्मक द्रव्य है, कटु विपाकी है। शिग्रू कटु कटु पाके तीक्ष्ण उष्णो मधुरो लघु दीपनो रोचनो रुक्ष क्षार तिक्तो विदाह कृत। पित्तग्न है तो कफ पित्तग्न होने की वजह से, रोचन होने की वजह से और तिक्त होने की वजह से जो है हमें शिग्रू पत्र का उपयोग करते हैं, शिग्रू की क्वाथ का उपयोग करते हैं। दूसरा द्रव्य है, आहार द्रव्य है कौन सा, ये है राशना, औषध द्रव्य राशना है। तो राशना का उपयोग भी जो है हम कफ वात शामक होने की वजह से और श्वास को नष्ट करने की वजह से राशना क्वाथ का उपयोग भी बहुत ही आवश्यक होता है। भाव प्रकाश ने कहा है कि राशना आम पाचनी, देखिए आम की उत्पत्ति ज्यादा होती है इसलिए श्वास उत्पन्न होता है, आमाशय समुद्भवम बताया गया है। तो राशना आम पाचनी, इसलिए हमें राशना का उपयोग विशेष रूप से करना चाहिए। राशना आम पाचनी तिक्ता गुरु उष्णः कफ वातिजित, यह तिक्त है, गुरु है, उष्ण है, आम का पाचन करता है और कफ और वात को नष्ट करता है। उसके अलावा जो है शोथ श्वास समीर अस्रवात शूलोदरापहा, अस्रवात मतलब रक्तपित्त को नष्ट करता है, शूल को नष्ट करता है। अब हमने वात रक्तपित्त वगैरह जो है शोथ है क्वाश कास है ज्वर है विष, तो काश वो ज्वर वगैरह की वजह से भी जो है नहीं उपद्रव स्वरूप, यदि व्याधि के उपद्रव स्वरूप श्वास उत्पन्न होता है तो यहां पर हम राशना का उपयोग करने के लिए निश्चित रहते हैं। देन तीसरा जो द्रव्य है नेक्स्ट द्रव्य है तामलकी का उपयोग। तामलकी यह जो है तिक्त है, कषाय है, मधुर है और शीतवीर है। तो यह तिक्त कषाय मधुर शीतवीर होने की वजह से रोचन है, मतलब टेस्ट को बढ़ाने में सहायक है। उसके अलावा कफ को नष्ट करता है, श्वास को नष्ट करता है। कैवेदेव निघंटू का एक श्लोक बताया है, मैं आपको बता रहा हूं कि तामल की हिमा तिक्ता कषाया मधुरा हिमा रोचनी पांडु पित्ताश्रय कफ कुष्ठ विषापहा जयेत श्वास तृषा दाह हिदमा काश क्षय क्षतान। ये कैवेदेव निघंटू का श्लोक है जिन्होंने स्पष्ट किया है कि यह श्वास नाशक है और यह कफ का नाश करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण द्रव्य है पुष्कर। पुष्कर मूल की जब हम बात करेंगे तो पुष्कर मूल यज्ञ में बताया गया कि अग्र के अंदर क्या दिया हुआ है कि पुष्कर मूल हिक्का श्वास काश पार्श्व शूल हराणाम, ये अग्र है चरक सूत्र स्थान अध्याय 25 के 40वें श्लोक में। पुष्कर मूल हिक्का श्वास काश पार्श्व शूल हराणाम श्रेष्ठम, ऐसा आचार्य वाग्भट ने भी कहा है पार्श्व शूले जटा कि वह पार्श्वशूले पुष्कर जा जटाह करके जो है अष्टांग हृदय के उत्तर स्थान के अंदर जो अध्याय 40 उत्तर स्थान के अंदर अध्याय 40 में 55वें श्लोक में दिया उन्होंने कि पार्श्वशूले पुष्कर जा जटा, ऐसा आचार्य वाग्भट ने उल्लेख किया है। भाव प्रकाश कहता है कि पौष्करम कटुकम तिक्तम उष्णम वात कफज्वरान, पुष्कर मूल जो है यह कटु है, तिक्त
तिक्त है, उष्ण है, वात कफ और ज्वर को नष्ट करता है, वात कफ से संबंधित व्याधियां और ज्वर को नष्ट करता है। उसके अलावा हंती कास अरुचि श्वास, टेस्ट की प्रतीति नहीं हो रही है, खांसी बार बार आ रही है, श्वास उत्पन्न कर रहा है, उसको भी नष्ट करता है। उसके अलावा विशेषात पार्श्व शूलनुत, विशेष रूप से बायलेटरल जो पेन हो रहा है उसको नष्ट करता है, ये भावप्रकाश ने भी स्पष्ट कहा। नेक्स्ट जो द्रव्य है वह है शटी, शटी यानी कर्पूर काचरी। अब शटी का उल्लेख जो है कहा है कि कटु तीक्ष्ण उष्ण सन्निपात ज्वर को नष्ट करता है, कफ को नष्ट करता है, कास को यानी खांसी को नष्ट करता है, और वक्त्र शुद्धि, मुख में जो आस्यता उत्पन्न होती है, विरसता उत्पन्न होती है, मुख का जो कसैलापन रहता है उस कसैलेपन को भी नष्ट करने में शटी का विशेष योगदान होता है, ऐसा आचार्य ने जो है धन्वंतरी निघंटु के माध्यम से बताया है। तो शटी स्यात् कटु तीक्ष्णोष्णाः सन्निपात ज्वरापहाः कफास्राव व्रण कासाग्नि वक्त्र शुद्धि विधायनी, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। पुष्कर मूल हो गया। अच्छा, पुष्कर मूल के बाद जो है नेक्स्ट द्रव्य है हरिद्रा। हरिद्रा भी जो एंटी एलर्जिक द्रव्य, ठीक है, बहुत सारे काम करता है। तो हरिद्रा के बारे में कहा है कि यह कफ और पित्त को दोनों को नष्ट करता है। इसके अलावा जो है यह विषग्न है, लेखनीय है, कुष्ठग्न है, रुक्ष है, उष्ण है। तो कटुरसात्मक, तिक्तरसात्मक, रुक्ष गुणात्मक और उष्ण वीर्यात्मक होने की वजह से यह कफ पित्त का नाश करता है, यह वर्ण है, और इसके अलावा जो है शोथ है, पांडु इत्यादि को नष्ट करता है, ऐसा भाव प्रकाश ने उल्लेख किया है। आचार्य चरक ने हरिद्रा को लेखनीय, कुष्ठग्नि और विषग्नि इस प्रकार से बताया है। तुअर के बारे में बताया गया है कि तुअर उष्ण रसे पाके च तिक्त कहा कफ व्रण कृमि में है कुष्ठ और दासना आलाहम अर्षः शोफश्च नाशयेदिति, ये निघंटु रत्नाकर ने कहा है कि यह जो है कफ का नाश करता है और यह रस में और पाक में तिक्त होता है, तो तिक्त होने की वजह से यह कफ का नाश करता है। और तालिश पत्र द्रव्य जो है एंटी एलर्जी का काम करता है, यह श्वास की नली को विस्फारण का काम भी करता है, उसको बढ़ाता है, मतलब ब्रैंकोडायलेटर भी कह सकते हो जो उसे आप। तो तालिश पत्रम तिक्त उष्णम मधुरम कफ वातरुत, कफ और वात को नष्ट करने के लिए तालिश पत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योग उत्पन्न। तालिश पत्र चूर्ण का उपयोग करते हैं, तालिश आदि वात का उत्पन्न करते हैं, तालिश आदि चूर्ण लेते हैं हम जो है। तो तालिश पत्रम तिक्तुष्णम मधुरम कफ वातनुत कास हिक्का क्षय श्वास छर्दी दोष विनाशकृति, ऐसा राजनिघंटु में उल्लेख आया हुआ है। देन हिंगू जो है, हिंगू यह दीपन पाचन का काम करता है। तो हिंगू उष्णम पाचनम रुच्यम तीक्ष्णम वात वलास रुत, वात और कफ ये दोनों को नष्ट करना है, करता है, यह पाचन है, रुच्य है, तीक्ष्णता उत्पन्न करता है। तो इस तरह से जो है भाव प्रकाश ने हिंगू के बारे में कहा भी करना चाहिए। अब पिप्पली जो है, पिप्पली यानी त्रिकटु में पिप्पली मरीच, और तो पिप्पली यह रोचक, उसके बाद जो है आम रोग, इन पातहर दीपन दृश्य रसायन है, यह अनुष्ण है, कटु है, स्निग्ध है, वात श्लेष्म है और लघु है, इसलिए हमें पिप्पली का उपयोग बहुत ही करना आवश्यक होता है। दिन आर्द्रक नागर या सुंठी जिसे आप कहते हैं, गुरु का गुरु होता है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, दीपन है, कटु है, मधुर पाकी है, रुक्ष है, वात और कफ को नष्ट करने वाला होता है, यह रुद्य है, स्निग्ध होता है, लघु है, शूल है और रुचिकर का काम करता है। तो इस तरह से उसके बाद जो है पिप्पली, पिप्पली पिप्पली मूल, पिप्पली मूल जो है यह दीपनम पिप्पली मूलम, पिप्पली मूल यह दीपन होता है, यह कटु है, उष्ण है, पाचक है, लघु है, रुक्ष है, पित्त और उसके बाद जो है कृमि श्वासक क्षयापयम, कृमि का श्वास को नष्ट करता है। चित्रक का उपयोग जो है, जैसे हमने बाद में बताया था कि चित्रक और चित्रक का उपयोग हम दीपन पाचन के लिए करते हैं, तो चित्रकः कटुकः पाके वह्निकृत पाचनो लघुः रुक्ष उष्णो ग्रहणी कुष्ठ शोथार्थः कृमिकाशनुत वात श्लेष्म हरैः ग्राही वातार्षः पित्तहित। तो ये जो है कटु है और तीव्र
इसलिए चित्रक को अग्निशिखा भी कहा गया है। तीव्र दीपन होने की वजह से, पाचन होने की वजह से यह जो आम बनता है और आम के बनने के उपरांत श्वास उत्पन्न होता है, उस आम को नष्ट करके जो अग्निदीप्त करता है और श्वास व्याधि में हमें निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो द्रव्य का उपयोग भी आप कर सकते हो। श्वेत जीरक, कृष्ण जीरक या कटु पाचक लघु होता है, ग्राही है, दीपन है, बल्य है, किंचित उष्ण और मधुर रसात्मक होता है, तिक्त रसात्मक होता है, तो अरोचक, अतिसार और श्वास को यह नष्ट करने वाला होता है। इसके अलावा मरीच का उपयोग, मरीच का नहीं काली मिरी, आयुष मंत्रालय भी कह रहा है कि काली मिरी लो, दालचीनी लो, आप सुंठी लो, तो इसका उपयोग, तुलसी पत्र का उपयोग, इसका जो उपयोग जो है आज हम श्वास नली को ठीक करने के लिए उत्पन्न करते हैं। तो मरीच भी कहा गया कि मरीचम कटुकम तीक्ष्णम दीपनम कफवातजित उष्णम पित्त करम रुक्षम श्वास शूल कृमीन हरित, श्वास शूल और कृमि को नष्ट करता है। भाग्यश्री जी का क्वेश्चन है, दीपन पाचन द्रव्य इसमें यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भाग्यश्री जी, ऐसा है कि चूंकि यह आमाशय समुद्भव व्याधि है, आमाशय से उत्पन्न हुआ व्याधि है, उसकी दोष दृष्टि से उत्पन्न होता है, तो चूंकि आम नहीं बने और अग्निमांद्य जो इसका विशेष कारण है उस अग्निमांद्य को नष्ट करे, इसलिए हमें दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग करना श्रेयस्कर है। आप बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं इसका। देन कृष्ण जीरक जो है इसका उपयोग करेंगे। कृष्ण जीरक क्यों लेंगे? क्योंकि यह भी कटु है, उष्ण है, कफ का शोष करता है, रुचिकर है, जीर्ण ज्वरहर है, ग्राही है, तो जरणा कटुष्णा च कफ शोष निकंतनी। इस प्रकार से हम एकल, इन प्रकार के एकल औषधियों का उपयोग जो है हम भिन्न भिन्न व्याधियों, इसके जो है श्वास व्याधि में कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ बताएंगे कि कैसे, किन किन द्रव्यों का उपयोग और किस प्रकार से करना। तो सैंधव लवण घृत का उपयोग, जोशी सर नमस्कार, गौरांग जोशी सर नमस्कार। तो घृत जो है, सैंधव घृत और इसका अभ्यंग करना, जैसे बताया मैंने आपको, मछली के मांस रस का सेवन करना, और यदि बमन कराना हो तो उसको दही भात कर खिलाना चाहिए। देन कफ वृद्धि होने के बाद जो है पिपली चूर्ण सैंधव लवण मध को खिला करके रोगी का हम बमन कराते हैं। और यदि ही लीन दोष है, यानी कफ की जो है लीन होने की वजह से, हम उसको धूमपान कराएंगे। धूमपान करने के लिए किन द्रव्यों का उपयोग करते हैं? तो वो द्रव्य खास करके जो है हरिद्रा यानी हल्दी का उपयोग, एरंडमूल का उपयोग, लाक्षा, मनहशिला, जटामांसी, इसकी धूमवर्ती बनाते हैं और धूमवर्ती बनाने के बाद धूमपान करने के लिए कहते हैं। जितेंद्र जैन जी नमस्कार। और उसके अलावा जो है जव का और घृत का उपयोग कराते हैं, साथ साथ में मोम, राल और घृत का उपयोग कराते हैं, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, इसकी धूमवर्ती बना करके हम धूमपान कराएंगे। अब यदि श्वास व्याधि के अंदर वात का अनुलोमन कराने के लिए हम द्रव्यों का उपयोग करें, तो वो द्रव्य होते हैं नींबू, जिसे आप मातलुंग नींबू कहते हो, उसके प्लस साथ साथ में जो है विजोरा नींबू का उपयोग, घृत में भून करके हींग का उपयोग, पीलू का उपयोग जो है, इसका उपयोग करने से वातानुलोमन होता है। आमाशयस्थ आम अग्नि मंद करते वक्त दोषादि दुष्टि देन कफ दोष ऊर्ध्व गमन कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन इन नेजल, करेक्ट पल्लवी जी, बिल्कुल हम सहमत हैं आपसे। तो अब ये जो रोगी होता है, श्वास रोगी है, बलवान रोगी मिलेगा, दुर्बल रोगी मिलेगा, कफ अधिकता वाला रोगी मिलेगा, कि वह कफ और वात की अधिकता वाला रोगी मिलेगा, ऐसे चार प्रकार के विशेष रोगी हमें दिखाई पड़ते जो है। अब हम जो है यदि कफाधिक है तो उसमें वमन, विरेचन, धूमपान और लेह का उपयोग करेंगे, और यदि वाताधिक है कि वह रुक्ष है तो वात समक औषधि का उपयोग करते हैं जो है। आगे हम डिफरेंट टाइप ऑफ यूष यानी सूप का बताया है जो है आचार्य चरक ने, कि रासनादि सूप, रासनादि यूष का उपयोग, मातुलुंगादि यूष का उपयोग, निदिग्धिक आदि यूष का उपयोग, और इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ है श्वास रोग में बहुत ही हितकर होता है। यवागु, यवागु बहुशिक्षा से आप बताया गया, तो यवागु, हिंगवादि यवागु, दशमूलादि यवागु और पुष्करादि यवागु का उपयोग जो है बहुत ही हितकर होता है। इसके अलावा जो है यदि हम बात करते हैं तो पुष्कर मूल, चित्रक, कर्कट सिंगी, कंटकारी, ऐसे औषधियां, देन श्वास में यदि पेय देते हैं तो दशमूल क्वाथ का उपयोग, देवदारू, सार भाग के क्वाथ का उपयोग करेंगे, आसो, आसो में
पाठादि आसो हिंगवादि चूर्ण संवर्चलादि चूर्ण मुक्तादि चूर्ण। यदि श्वास जो है कफ और पित्त के साथ में है, कफ मित्वानिक श्वास है, तो उसमें शीरीष पुष्प स्वरस सप्तपर्ण और पिप्पली चूर्ण और मधु के साथ में मिला करके लेह बनाएं और प्रातः सायं दोनों टाइम जो है चाटने के लिए दीजिए। उससे श्वास रोगी को निश्चित रूप से। उसके अलावा जो है योग है कि यष्टि मधु पिप्पली चूर्ण के साथ साथ में गुड़ का प्रयोग, गाय के घी का प्रयोग और मधु, इनको मिक्स करके भी जो है इसका उपयोग दोनों टाइम किया जा सकता है। उष्णोदक के साथ में किंवा जो है लेह के रूप में उसका उपयोग कीजिए। शिव जी नमस्कार। फिर लहसुन प्याज गाजर के मूल का रस, इसका नस जो है बहुत ही लाभकारी साबित हुआ है, तो इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। देन कुछ ऐसे औषधियों का बारे में हम आपको बताएंगे कि जो बहुत ही लाभदायक है। अब जैसे ब्रोंकोडायलेटर जो ड्रग्स होते हैं, यानी श्वासहर है, श्वास की नलिका को विस्फारक करें जो है, ऐसी जो औषधियां हैं एकल द्रव्य की बात जब आप करते हैं, तो एक तो अनंत मूल सारिवा या दम बूटी के नाम पे जाना जाता है, उसके अलावा दुग्धिका, फिर अर्क, अर्क यानी मदार, गंडीर, पुष्कर मूल, शटी यानी कर्पूर काचरी, वासा, भारंगई, धतूरा, कूठ और तालिस पत्र, ये जो है एकल द्रव ऐसे हैं जो ब्रांकोडायलेटर ड्रग्स के रूप में जाने जाते हैं। और इनका यदि क्लासिकल मेडिसिन की आप बात करेंगे तो अर्क लवण, देन पुष्कर मूलादि चूर्ण, वासावलोय है, भारंग आदि क्वाथ, कनकासव, कुष्ठादि चूर्ण और शट्यादि चूर्ण, इस प्रकार से इन क्लासिकल ड्रग्स के रूप में ये मार्केट में उपलब्ध है। अंसारी जी, व्हाट शुड बी यूज्ड इन रिकरेंट वेग फॉर इंस्टेंट रिलीफ? करेक्ट। देखिए ऐसा है अंसारी जी, यदि इंस्टेंट रिलीफ के लिए आपको आयुर्वेदिक औषधि उत्पन्न कर लेनी है, मधु और गोघृत जो कि घर में हमेशा सुंठी मिरी पिंपली मधु, उसके साथ में आप लौंग का उपयोग कर सकते हो, दालचीनी का उपयोग कर सकते हो और तालिस पत्र का उपयोग कर सकते हो, तो यह इंस्टेंट। ऊपर से आप उष्णोदक पान कीजिए, उष्णोदक पान करने के साथ साथ व्यक्ति को आराम से बैठने के लिए जी कहिए, उसको सोने के लिए बिल्कुल मत कहिए, तो निश्चित रूप से उसको लाभ होता है। ठीक है, और तो ये आपको आयुर्वेदिक औषधि के बारे में, त्रिकटु चूर्ण के साथ साथ में मधु और गोघृत लवंग को आप मिक्स कीजिए और उसको चाटने के लिए बोलिए, लेह के रूप में उपयोग कीजिए, निश्चित लाभ मिलता है। तो मैं दूसरी बात कर रहा था कि एंटी एलर्जिक ड्रग्स, क्योंकि श्वास रोग जो है यह एलर्जी के द्वारा भी उत्पन्न होते हैं, तो हमें वह कौन कौन से ऐसे एकल द्रव्य हैं जो कि एंटी एलर्जिक होते हैं, तो शटी, मधुयष्टि, कंटकारी, निद्रा, धतूरा, दुग्धिका, गुणुची, भृंगराज, स्फटिक, यवानी, अभ्रक, यशद, जहर मोहरा, सुवर्ण, मुक्ता, सुंठी, मुक्ता सुक्ति, हरितकी, ये ऐसे द्रव्य हैं जो कि एंटी एलर्जिक होते हैं निश्चित रूप से, जो कि आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और आपके शरीर को किसी भी कारक से, फैक्टर से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसमें ड्रग्स जो ये देखेंगे तो शीरीषादि क्वाथ का बहुत ही अच्छा उपयोग होता है, हरिद्रा खंड का उपयोग आप कर सकते हैं, सूत शेखर रस का उपयोग कर सकते हैं, शट्यादि चूर्ण, गुड़ुची घनवटी, कंटकारी अवलेह, व्याघ्री हरितकी और आर्द्रक का पाक। जी शिव जी, अदरक के प्रयोग भी कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल शिव जी, अदरक का प्रयोग निश्चित रूप से आप कर सकते हैं, उससे क्या होता है कि कफ की विस्कोसिटी जो होती है वह कम हो जाती है, यानी जो उसके अंदर लीन कफ रहता है, पिंडित रूप से कफ रहता है, वह निश्चित वह फैलता है और फैलने की वजह से आपके श्वास की नलियां जो है उसको गर्माहट जब जाती है तो उसको रिलीव करती है, जिससे आपको निश्चित रूप से विद इन 10 मिनट्स आराम फील होता है। जी तो अब जो है कफ निस्सारक औषधि, यानी जिसे हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं, ऐसे औषधियों के बारे में बताया कि एकल द्रव्य जो है वह मधुयष्टि है, वाशा है, तुलसी, बनप्सा, कंटकारी, शटी, गोजिहा, कासनी, श्लेष्मातक, तालिश पत्र, वंशलोचन, दारुसिता, त्रिकटु चूर्ण का प्रयोग, दाड़िम की छाल का उपयोग,
कर्पूर का उपयोग, पुदीना का उपयोग, वंशलोचन, हरिद्रा, यवानी, पिप्पली, पिप्पली का उपयोग बहुत लाभदायक है, लवंग का उपयोग, खदीर और पाषाण भेद, ये ऐसी औषधियां हैं जो कि कफ निस्सारक है। यानी टंकड़ और वंशलोचन देखेंगे तो यह बहुत ही अच्छे कफ निस्सारक का काम करती है जो है। अब इसके अलावा जो है आम विषहर औषधियां भी कुछ बताई हैं कि जो कि शरीर के आम को उत्पन्न नहीं होने देती हैं और आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करती हैं। तो ऐसी जो एकल द्रव्य है वह है भूमि अमल की, अश्वगंधा, गुड़ुची, तुलसी, कुटकी, हरिद्रा, सुंठी, हरितकी, मल, हरताल, मनहशिला, ताम्र का उपयोग और अमल की का उपयोग। यह जो है आपके शरीर के अंदर उत्पन्न हुआ जो आम है उसको डिटॉक्सिफाई करता है। और समीर पन्नग रस की आरोग्यवर्धनी का उपयोग जो है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है इसमें। अब कैसे है कि यदि आपके लंग्स को मजबूत बनाने के लिए कुछ उपाय किए जाए तो आपका यदि फेफड़ा मजबूत होगा तो बार बार आपको श्वास रोग के अटैक होने में निजात मिल जाएगी, आप उससे जो है निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। तो वो औषधियां हैं शिलाजीत, एक तो शिलाजीत, दूसरा अभ्रक भस्म का उपयोग कर सकते हैं, शिलाजत्वादि वटी का उपयोग कर सकते हैं, आमलकी, यशद, सुवर्ण, पिप्पली, रसोन, तुलसी पत्र, वासा, हरितकी, अश्वगंधा, मुक्ता शुक्ति, शुंठी और द्राक्षा, ये ऐसी एकल औषधियां हैं जिनका उपयोग हम जो है एक मात्रा में कि वह भिन्न भिन्न औषधि अन्य कर सकते हैं, लाइक चंद्रप्रभावटी, लघु माल्य वसंत रस, वृहत वाद चिंतामणि रस, द्राक्षावले है, वासावले है, कनका कनकासो, दत्तुरासो, ये जो बताए हैं भिन्न भिन्न, ये ऐसे औषधियों का उपयोग जो आप करें तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। अब यदि क्लासिकल ड्रग्स की बात कर, हाँ भाग्यश्री, संध्यावमन कर सकते हैं क्या इंस्टेंट रिलीफ के लिए? जी, सद्या वमन करने के लिए आपको देखिए जब पद्धति कैसे है वमन के लिए कि उसके पहले आपको पूर्व कर्म करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपने रोगी को स्नेहन स्वेदन नहीं कराया हुआ है और वमन करा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसको तकलीफ होगी, इसलिए बेटर होगा कि पहले उसे जो है दीपन औषधि दें, पहले उसको ब्रोंकोडायलेटर औषधियां दें। तो ब्रोंकोडायलेटर औषधियां देने के उपरांत यदि रोगी को आराम होता है तत्पश्चात आप स्नेहन कराइए, स्वेदन कराइए और उसके बाद ही वमन कराइए, जिससे किसी भी प्रकार का अन्य उपद्रव उसे उत्पन्न नहीं हो। ऐसा तो हम जो है दशमूलादि घृत, तेजोवत्यादि घृत का उपयोग और मनःशिलादि घृत का उपयोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आप दोनों टाइम उपयोग करने से लाभ प्राप्त होता है। उसके अलावा आचार्य चरक ने कि वह अन्य ग्रंथों में बहुत सारे गुटी वटी चूर्ण आसो अरिष्ट का उल्लेख जो है बताया है, उसमें कुछ है काश श्वास चिंतामणि रस, ये 250 मिलीग्राम की मात्रा में प्रातः साय मुष्णोदक के साथ में दिया जा सकता है जो है। देन श्वास कुठार रस का उपयोग, एलादि वटी, रस सिंदूर, मल्ल सिंदूर, व्योषादि गुग्गुल, श्रृंग भस्म का उपयोग, अभ्रक भस्म, लोह भस्म, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के औषधियों का उपयोग आप कर सकते हो। इसके साथ साथ में तालिशादि चूर्ण, देन सीतोपलादि चूर्ण का उपयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिकुटी चूर्ण का उपयोग आप रात में निश्चित रूप से 500 मिलीग्राम की मात्रा में गर्म पानी के साथ करें तो आपको लाभ प्राप्त होता है। अब इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो पथ्य में जो है यह पुराना योग, खास करके पथ्य बात करते हैं तो पुराना जौ का उपयोग, गोधूम का उपयोग, षष्टिक धान्य रक्तसाली का उपयोग आप कर सकते हैं, कुलत्थ का उपयोग कर सकते हैं। देन जो है मांस की बात आप करते हैं तो शुक और पक्षियों का मांस, देन दक्ष यानी कुक्कुट, कुक्कुट का मांस भी जो है बहुत ही फायदेमंद होता है। शाक वर्ग में जो है पटोल, तंडुलीय, वास्तुक, बथुए का साग जो है श्वास रोग में उपयोगी बताया है, वार्तक स्वाप उपयोग बताया है, देन दाड़िम और जंबीर नींबू, द्राक्षा, आमलकी और बिम्बी फल और बिल्व, बिल्व का भी उपयोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं जिससे आराम होता है। आहार के लिए जो है आप पुराना घृत, मधु और मांस रस, पिप्पली, हिंगू, कांजी और रसोन का उपयोग कर सकते हैं और उष्णोदक का सदैव उपयोग करें जिससे आपको आराम मिले। और वमन कारक कर्म करें, विरेचन कर्म कराएं, स्वेदन और धूमपान कराएं, इस प्रकार से जो है बताया गया। देन अब हमें ध्यान रखना चाहिए हम क्या ना करें।
तो जब श्वास रोग की बात आती है तो हमें खास करके ऐसी जगह पे ना जाएं जिसके द्वारा श्वास हमारा ट्रिगर हो। हम कोशिश करें जो है कि सुखपूर्ण वातावरण में, यानी प्लीजेंटफुल वातावरण में रहें। किसी भी प्रकार की चिंता ना हो, स्ट्रेस ना हो, उद्वेग उत्पन्न ना हो, हम किसी भी प्रकार का हमारे दिमाग में क्रोध उत्पन्न ना हो। और इस तरह से होने से क्या होता है कि हमारा बढ़ जाता है श्वास। तो मनोवह श्रोतस को शुद्ध रखने के लिए तत्र धी धैर्य आत्मा दि विज्ञानम मनोदोषोषधम परम बताया गया है। यानी प्लीजेंट म्यूजिक सुनना, लोगों के साथ में रहना, अच्छे काम करना, जिससे आपके श्वास के वेग को शांति मिलती है, उत्पन्न नहीं होता है। तो इस तरह से, और सरसप का सेवन नहीं करना है, आपको किसी भी प्रकार का कंद उपयोग नहीं करना है, दूषित जल नहीं लेना है, शीत जल एनी टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, या फिर जो है पिज्जा बर्गर या तले हुए भुने हुए पदार्थों का सेवन जो है श्वास रोगी के लिए बहुत ही कष्टकारक होता है। रुक्ष अन्न का उपयोग ना करें, शीतल जल का उपयोग ना करें और किसी भी प्रकार के गुरु पदार्थ का उपयोग ना करें। मैंने आपको बताया कि जो है श्वास रोगी, मैंने देखा है कि पेशेंट आता है, बोलता है साहब पपीता खा लिया था, पपीता खाया मीठा हुआ, उससे भी श्वास उत्पन्न हुआ। अत्यधिक पका हुआ मीठा केला खा लिया, मीठा आम खाया, तो भी श्वास रोग को उत्पन्न करने में वह जो है सहायक होता है। इसलिए बेटर होगा कि इन चीजों को आप अवॉइड करें। देन जो है वात सेवन, जो वात सेवन ना करें, वेग का धारण ना करें, उसके बाद धूम का और मैथुन का कम से कम उपयोग करें, जिससे आपको आराम है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। उस प्राणायाम का बहुत ही महत्व करते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम के वह योग करने के लिए जो है आपको कैसे होगा कि एक तो योगासन करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगासन बताया गया है। योगासन में भी क्या है कि अर्धचक्रासन है, उसके अलावा जो है पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, धनुरासन और सूर्य का भेदन प्राणायाम केवल सूर्य नमस्कार करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, आपका पेट मजबूत होता है, पेट के स्नायु मजबूत होते हैं, आपको पचन करने में आसानी होती है। तो इस आसानी की वजह से जो है, हाँ बेटा अंसारी जी, व्हाट आर द उपद्रव ऑफ तमक श्वास? तमक श्वास की वजह से रुद्र रोग, खास करके रुद्र रोग की उत्पत्ति होती है, आम की उत्पत्ति होती है, उद्गार अनाह आटोप की उत्पत्ति होती है, पांड रोग की उत्पत्ति होती है, ये तमक श्वास के उपद्रव में देखे जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ही करनी चाहिए कि आप श्वास से बचने के लिए नियमित रूप से आहार विहार का उपयोग करें। तो ये जो है, उसके अलावा कपालभाति का सेवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुलोम विलोम किया जाए, भ्रामरी प्राणायाम किया जाए। तो ये जो प्रकार बताए हैं श्वास व्याधि के लिए, ये आवश्यक है। हम चाहते हैं कि इन सभी पदार्थों का, एकल औषधियों का, योगों का सेवन किया जाए और आपके शरीर को स्वस्थ किया जाए। तो ये श्वास व्याधि के बारे में कुछ हम चाहते हैं कि आप कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, हम आपसे पूछ सकते हैं, आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। और सब